सबसे पहले कंट्रोल ओ करेंगे ओपन इमेज और कोई फोटो सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। अब कंट्रोल जीरो करेंगे फिट टू पेज। अब टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके अपना कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे। हमने यहां टाइप कर दिया एक्सॉल्टेड वन। कंट्रोल टी करेंगे और अपने टेक्स्ट को या टेक्स्ट के साइज को एडजस्ट करेंगे। अप्लाई कर देंगे। कंट्रोल के साथ अपने टेक्स्ट लेयर के बॉक्स पे जहां पर टी लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करेंगे। अब दूसरी इमेज ओपन करेंगे। कंट्रोल ओ से कर सकते हैं या डबल क्लिक से कर सकते हैं। दूसरी इमेज सेलेक्ट करेंगे देन ओपन। अब यहां कंट्रोल ए करेंगे कंट्रोल सी करेंगे और फिर अपनी पहली इमेज को दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे। बाद हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी करेंगे जिससे इमेज इसमें पेस्ट हो जाएगी और फिर कंट्रोल टी करके अपनी पीछे की इमेज को एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि एक एक करके सारे टेक्स्ट पे हमारी इमेज आती रहे। अब कंट्रोल जे करेंगे डुप्लीकेट के लिए, कंट्रोल टी करेंगे एडजस्टमेंट के लिए और अपनी इमेज को थोड़ा सा आगे ट्रैक करेंगे सेकेंड टेक्स्ट पर, यानी कि जो टेक्स्ट की लेयर है उसके सेकेंड अल्फाबेट पर हमारी इमेज आ जानी चाहिए और इस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करेंगे जब तक हमारे सारे टेक्स्ट फिल नहीं हो जाते। कंट्रोल जे कंट्रोल टी और ट्रैक इमेज ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारी सारी इमेजेस फिल नहीं हो जाती। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम करेंगे जिससे हम इमेज रेडी पर जंप कर जाएंगे और इस इमेज को GIF में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पर हम लोग विंडो टैब पर जाएंगे और विंडो टैब पर जाने के बाद एनिमेशन को ओपन कर लेंगे। एनिमेशन ओपन करने के बाद हम लोग एनिमेशन पैन में
उसकी लेयर को उतने बार कॉपी कर लेंगे जितनी लेयर पैनल में लेयर्स हैं। एक-एक करके दोनों की लेयर की एक-एक लेयर को अनहाइड करेंगे और बाकी सारी लेयर्स को हाइड कर देंगे और ये प्रोसेस हर लेयर के लिए अलग-अलग करना पड़ेगा। सब लेयर को सेलेक्ट करके हम टाइम की ड्यूरेशन को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। हम 1 सेकेंड लगा सकते हैं, 2 सेकेंड लगा सकते हैं, 5 सेकेंड लगा सकते हैं, अपने हिसाब से हम टाइम को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब इसको GIF बनाने के लिए हम लोग फाइल मेन्यू पे जाएंगे, सेव ऑप्टिमाइज पर जाएंगे और एक ऑप्शन को लेकर जिसमें हम अपनी GIF का नाम रखेंगे, एक्सटेंशन GIF देख लीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। अब हमारी GIF बन चुकी है जो आपके WhatsApp पर बहुत सारे सोशल मीडिया पे काम आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हमारी GIF डेस्कटॉप पे सेव है जिसको हम WhatsApp पे भेज सकते हैं, Facebook पे या Instagram पे भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।